Hello guys, this is Ankar Rao from University channel or ORS channel. Don't mug up, try to build up rational and logical study. तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, लास्ट डेट है जनवरी 31st हो गया और आपको 6 PM हो रहा है, तो इसके बाद यानी मैं मान रहा हूँ कि इसके बाद बहुत कम ही फॉर्म फिलअप किए जाएंगे. तो चलिए देखते हैं, अजमेर में आप देख सकते हैं कितने वैकेंसी है जी. देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर सीट है, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. तो अजमेर में कितने हैं जी, 136,120 है, 165 रेशियो पड़ रहा है इसमें, एक सीट पे इतने लड़के हैं जी. अहमदाबाद में 89,112 है, ठीक है. भोपाल में 86,920 है. गोरखपुर में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट समय फॉर्म भरते हुए, देखिए 96,820 है. गुवाहाटी में 27,120 है. ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सीट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा हुआ है जी. भुवनेश्वर में देख सकते हैं 66,145 है. ऐसे बात की जाए तो देखिए भुवनेश्वर में तब आप देख सकते हैं भुवनेश्वर में 66,145 है और बिलासपुर में आपको 70,225 है. तो यहाँ पे अलग अलग है. चंडीगढ़ में देख सकते हैं आप 2,22,010 सीट है जी. तिरुवनंतपुरम में कितना है, 45,000 है. जम्मू एंड कश्मीर में 65,000 है जी. रांची में लगभग 55,000 है. पटना में 49,000 है. मालदा में 34,000 है. मालदा में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं. आप अगर देखें तो मालदा में भी जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक इसमें फॉर्म भरे गए हैं, इससे आप देख सकते हैं. सिलीगुड़ी में 22,000 है. मुजफ्फरपुर में आपको 13,500 है जी. बिलासपुर में बात की जाए तो आप बिलासपुर में देख सकते हैं 70,000 है जी. चेन्नई में 4,15,000 है. मुंबई में 4,22,000 है. अलाहाबाद में 2,44,000 है. इस बार अलाहाबाद में फॉर्म कम फिलअप हुए हैं अगर सीट के मुकाबले में देखा जाए तो फिर भी, लेकिन इलाहाबाद में टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली वहाँ से नज़दीक है और यहाँ पर प्रिपरेशन होते हैं जी आपको गेट और. चलिए आगे बढ़ते हैं. कोलकाता में 2,65,000 है. बेंगलोर में 1,95,000 है. सिकंदराबाद में 2,76,000 है और चंडीगढ़ में भी 2,22,000 है. तो आप देख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा लगभग आपको 6-7 जोन है जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी क्या है जी है. तो चलिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं लेक्चर को और आप देखते रहिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा. तो चलिए थैंक यू. अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बेनिफिट हो सके जी. बात की जाए देखिए, तो अभी तक मैंने ELP RRB ELP में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे कोर्सेज कराए थे. मैंने टाइम से बहुत पहले ही करा दिए थे और मैंने जो न्यूमेरिकल पढ़ाए थे वो न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का अप्रिसिएशन रहा, बहुत सारे थैंक्स बोले इस पर कि सर. और ख़ास करके 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट जो शिफ्ट था उसमें ज़्यादा लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है. 23 जो जनवरी था, सेकंड शिफ्ट जो हार्ड आया था उसमें न्यूमेरिकल थे और वो भी न्यूमेरिकल मेरे बताए हुए लॉजिक पे ही आए थे, तो उसमें ज़्यादा हुआ. और ख़ास तौर से आप देखिएगा तो सेकेंड शिफ्ट जो भी था 21 का 22 का 23 जनवरी का जो भी था ELP का उसमें न्यूमेरिकल ही आ रहे थे और न्यूमेरिकल मेरे ज़्यादा मेरे या तो गेस कहिए या हीट एंड ट्रायल कहिए जैसे भी, मतलब ज़्यादा चांसेज है लड़ने के, तो इससे लड़के ज़्यादा बेनिफिट हुए. और उसी तरह मैं भी आशा करता हूँ कि मैं भी इसको एक डेप्थ तक ही पढ़ाऊँगा जी. मैं सरफेसियल ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ ये तो बात है, लेकिन आपको भी पता है JEE IAS के कंपेयर में तो थोड़ा लो ही रहेगा, गेट के कंपेयर में थोड़ा लो ही रहेगा. फिर भी मैं कोशिश करूँगा गेट तक आपको ले जाने की कोशिश करूँगा और वहाँ तक डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा जी. तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकें. चलिए थैंक यू सो मच.